इस बार इतना शॉट लेके गया पर आपको पूरा तैयार चुस्त चुस्त क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को फिट करे पूरा एक रनों के साथ करना होगा संतुष्टि और स्ट्राइक रोटेशन 164 रनों का स्कोर जो है उसे पीछा करते हुए 11 ओवर में 67 रन बना चुकी है सुधांशु इलेवन की टीम। घुमा घुमा के दिखाना भी है क्या? नहीं मैंने दिखा दिया है सिस्टम तो दिखा। फिलहाल आपको बता दें तो राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आज तीसरा लीग मैच खेला जा रहा है। कल बीते हुए कल सेमीफाइनल मुकाबला ग्रुप ए का खेला। लाइव अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, शेयर दबा के कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। लाइक और फॉलो करना ना भूलें और लाइव को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। काफी बेहतरीन उछाल बढ़ते हुए मुजाहिद खान आज बहुत अच्छा बैटिंग किए हैं, लगातार उछाल से बॉलिंग में भी अच्छा प्रदर्शन अभी तक रहा है। बैटिंग बहुत अच्छा की है बॉलिंग करते हुए मोतिहारी के गेंदबाज मुजाहिद खान। और बता दें आप सभी दर्शकों से 17 तारीख को इसी ग्राउंड पर महिला एक दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा इसी गुना अगली गेंद के साथ। और वन रॉकेट शॉट जस्ट इन मिड ऑफ आउट ऑफ बाउंड रन फॉर 6 रन्स मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला गया। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव को शेयर कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं लाइव में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। और चैनल पर अगर नए हैं पहली बार आए हैं पेज पे तो फॉलो करिए और सामग्री की तरफ से लाइव फॉलो जरूर कीजिए और लाइव को शेयर कीजिए। 500 रुपए का 500 रुपए का इनाम है इसी पिछड़ी के। और लाइव कैसा लग रहा है कमेंट ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए। अमरजीत कुमार भैया अरे आप रहते तो क्या मजा आता कमेंट में, लाजवाब मजा आता। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। बता दें कल का जो मुख्य मैच है वैशाली वैशाली बहुत अच्छा मैच चल रहा है खेला जाएगा इसी बीच अगली गेंद के साथ। एक और गुड की बॉल जब तक इनको फील्ड करे एक सिंगल के साथ करना होगा संतुष्टि। एक सिंगल के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 74 रन। एक बार फिर से बता दें 74 रन मैच वैशाली बना मुझे प्रयास बॉल के बीच पूरा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा बारहवा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। तो बता दें 17 तारीख को लेडीज क्रिकेट महिला क्रिकेट T20 टूर्नामेंट बिहार बना यूपी के बीच खेला जाएगा। बिहार लेडी वर्सेस यूपी लेडी के बीच इसी बीच अगली गेंद के साथ और आक्रमक शॉट खेलने का प्रयास लेकिन वहां पर डिफेंस स्क्वाड लेग में हरे क्षेत्र को प्रिंट किया पूरा एक रनों के साथ करना होगा संतुष्टि। और साथ ही साथ स्ट्राइक रोटेशन इसी के साथ संभवतः ओवर की भी समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर में 75 रन 3 विकेट है नए बॉलर आ रहे हैं और ज्यादा उछाल लेता हुआ मात्र अमित चंद्रा गेंदबाजी में अमित चंद्रा आ रहे हैं। यहां से 89 रन चाहिए 89 रनों का दरकार। अभी हमारे साथी कमेंटेटर जेडी भाई कमेंट्री कर रहे हैं, हमारा बारी आएगा तो हम करेंगे कमेंट्री। तब तक आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं अमित भाई कल का मैच देखना है वैशाली बनाम मुजफ्फरपुर के बीच चौथा लीग मैच। अगले गेंदबाज अमित चंद्रा 5 नंबर की जर्सी में मोतिहारी की टीम की तरफ से स्ट्राइकर होंगे। मुकेश सामना करेंगे अमित चंद्र का और काफी बढ़िया गेंद पटकी हुई गेंद वहां पर हल्के बल्ले के साथ कराइयों के साथ यहाँ पर मुड़ा पे करने का प्रयास लेकिन तैनात क्षेत्र सिंह ने गेंद को फील्ड किया बहरा स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पूरा अमित चंद्र क्रॉस द एम्पायर फॉर द बुकेश
क्षेत्रक्षक दौड़ते हुए सीमा रेखा से बाहर चार रन हो गए। और बता दें कल वैशाली बनाम मुजफ्फरपुर के बीच जो मैच खेला जाएगा उसके मुख्य अतिथि श्री सम्राट चौधरी विधान परिषद के विपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी साथ ही साथ श्री मिथिलेश तिवारी पूर्व विधायक बैकुंठपुर पूर्व विधायक बैकुंठपुर साथ ही साथ श्री देवस्थानीय ये कल के मुख्य अतिथि भी होंगे। ढेर लोग देखा था बंद करी तो इस प्रकार से अच्छा मैच चलता हुआ और यहां पर वन स्वीप शॉट सुनिश्चित यहां पर काफी बेहतरीन शॉट सीमा रेखा से बाहर एक और चौका बैक टू बैक बाउंड्री। काफी बेहतरीन यहां पर इसी चीज की जरूरत है एक अच्छी साझेदारी जो कि एक गुड स्कोरिंग लेकर चलते हुए बैच में मैच में कायम रहने के लिए पार्टनरशिप बहुत ही जरूरी चीज होता है और उसे पूरे मुकेश और कोटे की बात हो गई। अमित चंद्रा चलेंगे मुकेश के लिए इस बार अच्छा बैकअप अंदर जाते हुए गेंद फिर से एंगल बनाकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल। तो बता दें कल का मैच वैशाली बनाम मुजफ्फरपुर के बीच खेला जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि विधान परिषद के विपक्ष नेता श्री सम्राट चौधरी साथ ही साथ पूर्व विधायक बैकुंठपुर श्री मिथिलेश तिवारी और माननीय श्री कृष्णकांत सिंह जो कि माननीय विधायक गुड़ियाकोटी के कल के मैच के मुख्य अतिथि भी रहेंगे और इसी ग्राउंड पर 17 तारीख को तो इन अतिथियों का आगमन और साथ ही साथ मैच का कल शुरुआत काफी पहले हो जाएगा कल 11:00 में मैच प्रारंभ कर दिया जाएगा। जी हाँ कल 11:00 मैच प्रारंभ कर दिया जाएगा इसी बीच अगली गेम एक रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास लेकिन बैट और बॉल की कोई कनेक्शन नहीं लेकिन यहां पर एक और गुड रन मिली था विकेट आंखों ही आंखों में इन नजरों को मिलाते हुए रन जुड़ा लेग बाई के रूप में तो इन लेग बाई के रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई 13 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ आओ तो रितवा इलवरन सर इतने दिनों के मैचों में आज का जो मैच है बिल्कुल कांटे की टक्कर कसमोकस बड़ा मैच किसी के पाले में कुछ कहना फिलहाल असंभव है 50-50 मैच चल रहा है। पार्टनरशिप काफी बेहतरीन चलती हुई एक अच्छा पार्टनरशिप चलता हुआ आओ खत्म हो अब कला रही आओ काल ठीक बा सब तो सचिनो चिनो राहुला रबी आइल बा सर देखबे काफी रोमांचक लोग ढेर भाई है काफी दूर दूर वालों हम बीच ग्राउंड में बनी तो कादर की पहली गेंद काफी खूबसूरत गेंद वहां पर विकेट कीपर मिस किए लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी का लाइव करा था नहीं लाइव एक सही लाइव और नेट को पकड़ के ज्यादातर गेंदा गेंद अंदर की तरफ डालते हुए एंगल की गेंद डालते हुए लौकता नहीं है काफी चतुराई भरी गेंदबाजी लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पार्टनरशिप क्रिएट होता हुआ जो कि काफी इंपॉर्टेंट इसी बीच काफी चले रोटी के लिए और बड़ा विकेट का पता लेते हुए वापस कर लिया है
अच्छा उठ तो किस प्रकार से फर्स्ट बाउंस किए और चौथे विकेट का पतन मोतिहारी जीता था। चार विकेट गिर चुके हैं। हाँ शिवाना मोतिहारी सिवान फाइनल में सिवान में दो गो टीम बा दो गो साइड चौदहवां ओवर सत्ता हुआ फाइनल बस कमेंट्री के लिए जोड़ा जाएगा हमारे साथी कमेंटेटर प्रियांशु भाई सिवान से 19 तारीख का फाइनल बा बहुत बहुत धन्यवाद साथी कमेंटेटर देवी बेच बेच सर बेच कॉस्ट आप सभी का स्वागत आपको बात सुना रहे थे एक बार फिर से बोरा में पैसा कॉस्ट बोरा में आप सभी कस्टमर भी जुड़ चुका हो तो पारी के लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में कास्ट के द्वारा एक भाई पनवा हमरो के दे दे लाइव वीडियो कर साफ दिखाई बहुत ही अच्छी जबरदस्त प्रयास चुके पूरी तरह से बल्लेबाज नीतीश बाकी काम विकेट कीपर छोटे खत्म हो जाते ले ली है सारे लंबा सा गेंद चली गई मुजाहिद खान के सर के ऊपर से टावर के लगे टावर के लगे कोई छक्का ठीक बा बेच अभी ना इस ओवर के बाद चूना लेके चुना जाएंगे मैदान में चूना एक बार बैच तो चलेंगे फिर से नीतीश के लिए और इस बार विकेट कीपर से थोड़ी सी मिस हुई है दो रन पूरा किया पार का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ यानी कि मिलेंगे दो रन इस दौरान से स्कोर क्या पहुंचा है 99 जी हाँ काफी खतरनाक आंकड़ा होता है ये 99 का क्या 99 का झटका लगेगा या उसे उभर पाएगी सिवा देखने वाली बात तो इस 99 के झटके से क्या उभर पाएंगे मुकेश चलेंगे कादिर मुकेश के लिए और इस बार खेला हर एक रन पूरे करेंगे और शतक पूरा होता हुआ सिवान टीम का 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 14 ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर में जीतने के लिए 64 रन की दरकार चुना लेकर चले जाइए मैदान पर प्लीज 6 ओवर में 64 रन चाहिए भाई लोग 6 ओवर में 64 रन चुना लेकर मैदान में जाइए प्लीज भाई चुना का व्यवस्था कर दीजिए थोड़ा चुना है तो लेकर कोई भी हमारे कमेटी के मेंबर चले गए मैदान पे चुना लेकर जाइए भैया इस ओवर के बाद जरूर चले जाइएगा क्योंकि बॉलिंग लाइन पे चुना नहीं दिख रहा है प्रिंस भाई चलेंगे फिर से मोतिहारी का स्कोर 163 रन है 164 रन चाहिए सिवान को पंकज जी जाके जाइएगा मेट्रो बस के पास अमित इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे मुकेश श्रीनिवास गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन और बता दें कल का मैच देखना ना भूले कल ठीक समय 11 बजे दिन में कल 11 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा मुजफ्फरपुर बनाम वैशाली के बीच चौथा लीग मैच जिसके मुख्य अतिथि होंगे विधान परिषद विपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी श्री मिथिलेश तिवारी पूर्व विधायक बैकुंठपुर और डॉट
तो बता दें कल के मुख्य अतिथि श्री सम्राट चौधरी विधान परिषद विपक्ष के नेता और 60 रन चाहिए और 60 रन बैकुंठपुर और श्री तुलसीकांत सिंह माननीय विधायक गोड़ियाकोटी जो कि कल के मैच में मुजफ्फरपुर बनाम वैशाली के मैच में कल का मैच मुजफ्फरपुर वर्सेस वैशाली 11 बजे से चौथा लीग मैच काफी जबरदस्त है। नीला मिलेवन मुजफ्फरपुर बिहार का एक बहुत ही बड़ा नाम है नीला मिलेवन और वैशाली दोनों ही काफी जबरदस्त टीम है और इस बार बहुत अच्छी गेंद घुटने को टेका था मैदान के बीचों बीच जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अमित चंद्रा डॉट बॉल बल्लेबाज चाहते थे इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेजने में सफल नहीं हो पाए जबरदस्त गेंदबाजी अमित चंद्रा के द्वारा। चलेंगे अमित फिर से इस ओवर में अगली बार हमसे जुट जाते हैं पार के पार करने के लिए के लिए रिवॉक शॉट खेलने की ट्राई मगर ना काम चिंटू के द्वारा जब तक इनको फील किया जाए कोई रन नहीं स्कोर अभी रुका हुआ 104 जीतने के लिए 164 रनों का लक्ष्य दिया है यानी कि अब 60 रनों की और दरकार है इस मैच को जीतने के लिए जबकि इस ओवर के बाद 5 ओवर खेल बचे यानी कि ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की तो 31 गेंदों में 60 रनों की दरकार। चलेंगे अभी सामना करेंगे मुकेश और आउट होते होते बच्चे बार बार रिवर्स करने का प्रयास है सफल नहीं हो पा रहे हैं तो चूना लेकर मैदान के बीच जाते हुए हमारे टूर्नामेंट के काफी सपोर्टिंग मेंबर है और ओवर समाप्ति हुई जाते हुए तो 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 104 यानी अब चाहिए 30 गेंद 60 रन 30 बॉल में 60 रन चाहिए भाई लोग 30 बॉल में 60 रन जल्दी जल्दी शेयर करें फॉलो करें लाइक करें मैच रोमांचक की स्थिति में पहुंचा हुआ जी हाँ देखना ना भूले आज का मैच आखिरी ओवर 5 ओवर बचा हुआ है आखिरी क्षणों में 5 ओवर में 60 रनों की दरकार। कल इस टूर्नामेंट का ग्रुप बी का दूसरा लीग मैच यानी आखिरी लीग मैच होगा चौथा लीग मैच और 17 तारीख को एक महामुकाबला जबरदस्त मुकाबला देखना ना भूले 17 तारीख को लेडीज मैच यूपी वर्सेस बिहार महिलाओं का मैच खेला जाएगा आज 17 तारीख को लेदर बॉल से ट्यूज बॉल से वो मैच होगा देखना ना भूलेंगे एक जबरदस्त मैच 17 तारीख को बिहार बनाम यूपी एक शानदार मैच 17 तारीख को देखना ना भूले बिहार बनाम यूपी एक जबरदस्त कमेंट्री तो मैदान के बीचों बीच चूना गिराकर वापस आते हुए हमारे सहयोगी इस टूर्नामेंट के काफी एक्टिव मेंबर सपोर्टिंग मेंबर पंकज जी और पीयूष भाई क्या जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दिया है पीयूष भाई ने और जाहिद भाई कहीं पे फील्डिंग कर रहे होंगे उतना मतलब ध्यान नहीं दे रहे हम उनकी मेहनत भी काफी कम होगी। हेलो एक मिनट रुक जाइए भैया जब आपके खिलाड़ी ने आपको कह के वापस गए थे फील्डर थे ग्राउंड से बाहर तो बॉल को रोका गया थोड़ा तो फिर से राजेश तैयार होते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज नीतेश और नीतेश खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं बाकी अगाम विकेट कीपर कप्तान छोटू सिंह ने पूरा काफी शानदार शॉट बनाए थे लेकिन मिस हो गया। तो जो भी दर्शक महिलाओं का मैच देखना चाहते हो 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और एक जबरदस्त T20 मुकाबला 20-20 ओवर का एक खूबसूरत मुकाबला देखना ना भूले यूपी वर्सेस बिहार बिहार की लड़कियां और यूपी की लड़कियों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा लेदर बॉल से यानी ट्यूज बॉल क्रिकेट का मैच।
नीतीश उर्फ लेवी सिंह का इस बॉल को भी खेलना चाहते थे मगर ये भी नाकाम हुआ। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं नीतीश और लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाते हैं। हालांकि मुकेश के बारे में मैं बता दूं काफी अच्छे बल्लेबाज है, किसरिया हाई स्कूल के ग्राउंड पर काफी अच्छा खेल दिखाया था मुकेश ने, जिसमें पोंटिंग ने 169 रन बनाए थे। उस मैच में मुकेश ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो आज मुकेश और नीतीश को चाहिए कि यहां से 12 रन प्रति ओवर, कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं है इस ग्राउंड के पर, और उठाकर खेल दिए हैं लेफ्ट साइड में 6 रन ग्राउंड। हाँ भाई सिवान हारने वाला है, छक्के से स्कोर में छा लेता हूँ, स्कोर जा पहुंचा है 110 रन। अभी भी टाइम है सिवान को, बात कर रहा था मुकेश की काफी अच्छी बल्लेबाजी किया था, आज भी चाहेंगे कि एक अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाए। अपने टीम को धैर्य का परिचय देना होगा, अगर धैर्य का परिचय आपने दे दिया तो निश्चित तौर पर इस मैच में बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए फिर से राजेश क्या खूबसूरत और फिर से उठाकर खेल दिए हैं इस बार वाइड ग्राउंड लाइन के बाहर 6 रन। तो के गेंद पर छक्का लगा चुके हैं, हैट्रिक का मौका है और हैट्रिक के छक्का पर 500 रुपए का इनाम है बसंतपुर किसान अंश रेस्टोरेंट की तरफ से, 500 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम है रेस्टोरेंट की तरफ से इस हैट्रिक छक्के पर। और चूक गया था इस इनाम से, घुटने को टेका था। हैट्रिक का एक मौका था यहाँ पर लेकिन हैट्रिक मिस कर चुके हैं जो कि हैट्रिक पे था कुछ पुरस्कार। हर ओवर में 12 रन चाहिए यहाँ इस मैच को जीतने के लिए। बारह रन प्रति ओवर चाहिए यानी कि हर ओवर में 12 रन, तो 24 गेंद में 48 रन। जी हाँ, एक जबरदस्त कांटे का मुकाबला। आप सभी दर्शकों के बीच इस मैच का इंतजार था। मैंने कल भी सुजीत भैया का जो ग्रुप है उसमें मैसेज किया था कि कल का जो मैच होगा वो दर्शक याद रखेंगे, एक जबरदस्त मुकाबला होगा क्योंकि मुझे पता है दोनों ही टीम काफी जबरदस्त है। सुधांशु इलेवन सिवान और मोतिहारी लाजवाब खेल चलता हुआ और फिर से विकेट से दिखाए चलते हैं 6 रन। लोगों के पास एक छह दर्शक और मैच हुआ काफी शानदार, आमना सामना एकदम 42 रन की ओर सरकार है। चलेंगे अली और फिर से छक्का, लगता है बाजी पलट गया है यहाँ पे, सिवान जीतेगा लगता है। तो पिछले 5 गेंदों में 4 छक्के लग चुके हैं, फिर जब हार्दिक छक्का लगाने का मुकेश के पास मौका है और 500 रुपए का इनाम अंश रेस्टोरेंट बसंतपुर किसान अंश रेस्टोरेंट के तरफ से 500 सुपर विनर वा पब्लिक स्कूल उनके तरफ से भी 500 यानी कि एक छक्के पर 1000 रुपए भी मिलेंगे। अगर एक छक्का और लग जाता है 1000 रुपए। दो गेंदों पर 2 छक्के, इस ओवर का कोटा खुल कर दिया है दूसरी गेंद पर जी हल्ला जवाब बल्लेबाजी मुकेश के द्वारा। तब अमित चंद्र तैयार होंगे हैट्रिक के, क्या छक्का लगा पाएंगे मुकेश, चलेंगे अमित चंद्र। ओहो हो फिर से मारने की ट्राई करना काम, लंबा हिट लगाना चाहते थे। 500 रुपए का इनाम अंश रेस्टोरेंट और 500 रुपए का इनाम सुपर विनर की तरफ से था। अगर हैट्रिक छक्का लगाते तो 1000 रुपए का इनाम उनके खाते में जाता। हालांकि एक बार एक मौका आया था 2000 रुपए जीतने का जावेद के पास, बबलू ने वो साथ नहीं दिया वरना 2000 रुपए मेडन ओवर पर 2000 रुपए का इनाम था। तो इसी तरह से इसको जा पहुंचा है
129 रन। 21 गेंदों में 35 रन की जरूरत है, 21 गेंदों में 35 रन की जरूरत है और फिर से उठाकर और इस बार खेला है मगर फील्डर क्या जबरदस्त खेलने का नजारा दिखाया है। सिर्फ एक रन मिला, तीन रन बचाए हैं अपने टीम के लिए। निश्चित तौर पर एक रन से कुछ करना पड़ेगा। तो अब 20 गेंदों में चाहिए 34 रन, 20 बॉल 34 रन। मंच की स्थिति में पहुंचता हुआ अमित चलेंगे इस ओवर में, अगली बार सामना करेंगे। ओहो, फिर से उठाकर खेलने की ट्राई मगर मिस हुआ बॉल, सफल नहीं हो पाए। तो अब 19 गेंदों में 34 रन, एक एक डॉट गेंद शिवान के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, वहीं डॉट गेंद मोतिहारी के लिए काफी अच्छा साबित होगा। और एक स्ट्रोक पूरी तरह से दबाव कम कर देगा शिवान के ऊपर से। चलेंगे फिर से अभी सामना करेंगे मुकेश। अंपायर का इशारा आता है, अंपायर का इशारा वाइड की हो गया। सिर्फ के सहारे स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन, यानी 33 रनों की और दरकार 19 गेंदों पर। जो 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था वो अब घट के आ चुका है 11 पे। जबरदस्त गेंदबाजी, सॉरी जबरदस्त बल्लेबाजी, माफ करेंगे, 12 से 11 पर आ चुका है। कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। समाप्ति पर स्कोर 131 रन, जो अब चाहिए 18 गेंदों पर 33 रन। और जिन दर्शकों का धड़कन कमजोर हो, दिल कर रहा है, आप मैच को मत देखिए वरना हार्ट अटैक की जिम्मेवारी हमारी कमिटी की नहीं होगी। 18 गेंद 33 रन, एक्साइटमेंट में थोड़ा कुछ गलत बोल दिया तो क्षमा चाहूंगा। 18 गेंद 33 रन, यानी 11 रन प्रति ओवर। और आखिरी के क्षण में क्या कुछ होगा आएंगे जेडी भाई और आप सभी दर्शकों को बताएंगे। एक जबरदस्त मैच, चलिए कादरी गेंदबाज और नीतीश बैट्समैन लेफ्ट हैंडर लुइस सामना करेंगे। स्ट्रेट की तरफ उठा दिए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, सीधे सिवाय के बाहर 6 रन के लिए बिल्कुल दबाव हटा दिया अपनी टीम के ऊपर से और अगली टीम को सोचने पर मजबूर करते हुए। खत्म हो गया है भाई, खत्म हो गया है। आपसी मंथन भी शुरू, काफी बेहतरीन। यहाँ पर नीतीश लेविस और मुकेश जो कि काफी एक्सपीरियंसड बैट्समैन भी है, अंतिम क्षण में अपना पूरा दम खम का परिचय देते हुए टीम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए और कादिर भी अपने टीम के अंतिम ओवर में। और यहाँ पे सीधे विकेट उखाड़ दिए हैं और बोल्ड कर दिया है। एक और विकेट का प्रदान लेविस वापस, शिवान की विकेट गिरती हुई। लेविस नीतीश ने 11 गेंदों का सामना किया जिसमें 25 रन बनाए, 4 छक्के मौजूद, मात्र 1 सिंगल। तो इस प्रकार से अंतिम क्षण में मैच चलता हुआ, डेथ ओवर का समय और क्रीज बनाए हैं जो खुद कैप्टन है इस टीम के मेहराब, मेहराब जो भी कैप्टन और एक बेहतरीन प्लेयर के रूप में भी जाने जाते हैं। आवश्यकता है सोच समझ कर एक इनिंग्स खेलने का और साथ ही साथ कादिर जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं उन्हें भी अपने तरीके तौर तरीके के साथ अपने टीम को परफॉर्म करना होगा ताकि प्रेशर जो शब्द है वो किधर से भी रिलीज हो जाए। मैच काफी काटने का टक्कर चलता हुआ, दोनों साइड मुकाबला, नॉट वन साइड बट डिपेंडिंग बोथ साइड। अगली गेंद के साथ कादिर काफी खूबसूरत शॉट यहां पर लव ऑफ के क्षेत्र में अफरोज चंद्रक्षर, जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138 रन। अभी तो कादिर भाई करा रहे हैं दूसरा ओवर, देखते हैं यहां से मात्र 26 रनों की 15 गेंद में 26 रन। और फिर से लगता है शिवान की फिर से एक बार विकेट गिरी। मुकेश ने
गलत शॉट और खामियाजा वापस पवेलियन। तो काफी रोमांचक मुकाबला, कहीं कुछ ना कहने का मौका और कहीं सब कुछ कहने का मौका, इस प्रकार से मैच चलता हुआ आप आज के इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन मैचों की अगर गिनती की जाए तो सबसे बेहतरीन लीग मैच आज हुआ है। इन सभी मैचों में सबसे सफल मैच और दर्शक बंधुओं का भी भरपूर से आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तहे दिल से हमारी कमेटी आप दर्शकों का स्वागत करती है, जिसमें आप आपने अपना भरपूर समय दिया। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे अंकित, नए बल्लेबाज अंकित सामना करेंगे कासिम का। और एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चूक हुई, थोड़े से आगे निकल चुके थे फोर्स सीमा के सुबह चार रन और इस चौके के साथ काफी और एक और लोग आपके साथ खेला हुआ शॉट, लेकिन अप्रोच इस बार मौजूद मात्र एक रनों के साथ करना होगा संतुष्टि और स्ट्राइक रोटेशन 90% लेट खत्म होने के बाद कहा करे के 18 ओवर की समाप्ति के बाद 143 रन यहां से 12 गेंदों में शेष 12 गेंद में 21 रनों की आवश्यकता है। नेट 90% खत्म, सुजीत वैसे कहा करे के सारा 10.50 का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर प्रति ओवर 10 का रिक्वायर्ड रन चाहिए। जल्दी जल्दी रिक्वायर्ड जो रन रेट है बिल्कुल कंडीशन में बिल्कुल सही संयम के साथ, पहले देखा जाए तो वही रिक्वायर्ड रन रेट जहां 12 का था, 12 के बाद 11.5 संभवता हमारे साथी कमेंटेटर के द्वारा बताया गया और फिलहाल वो रन रेट और नीचे जाता हुआ 10.5 प्रति ओवर 10.5 का स्कोरिंग कर रहा है। इसी बीच अमित चंद्रा का गेंद और इस बार बेहतरीन शॉट वहां पर मिड विकेट की दिशा में, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद जब तक गेंद को फिट करें, मात्र एक रनों के साथ करना होगा संतुष्टि और स्ट्राइक रोटेशन यहां से और 20 रनों की आवश्यकता। काउंट डाउन स्टार्टेड, यहां पर पूरे जोश और जोश के साथ हर एक दर्शक क्रिकेटर हर एक जहां पर मौजूद ग्राउंड में लोग सब में एक अलग उत्साह बढ़ता हुआ। सोहराब जो भी कप्तान है अपने टीम के सारी तारों मजा उनके ऊपर देखते हैं और चुकाने का प्रयास। वैसे अगर अपने सीट पे खड़े रहते तो सुरक्षित है इसी बीच अमित चंद्रा का अगला गेंद ऑन द ग्राउंड, इस बार अंपायर का डिसीजन का प्रतीक्षा। और आउट कर लेकर हुआ हल्ला गुल्ली, देखते हैं एम्पायर का डिसीजन, एम्पायर का डिसीजन आउट आउट तो अंपायर ने फिर से एक विकेट गिरा सिवान का, एक और विकेट का पतन यहां पर, काफी कसमोकस भरा मुकाबला काफी सिवान के लिए, काफी बुरी खबर, विकेट पे विकेट गिरी जा रही है, लगता है मोतिहारी जीतेगा। यहां से अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है। नौ गेंद यहां से मात्र 9 गेंद बाकी है और 20 रनों की आवश्यकता है। काफी बेहतरीन बैकअप कहा जाएगा मोतिहारी के गेंदबाजों के द्वारा, एक अच्छा बैकअप और अंतिम समय में डेथ ओवर्स में अनसक्सेस जाता हुआ यहां पर सुधांशु इलेवन सिवान। ओके ब्रो, देखते हैं कौन जीतता है दोनों टीम में से। पारी खेलने की आवश्यकता और बॉलर तैयार है, यहाँ पे जा रहे हैं अमित का। ओहो, एम्पायर डिसीजन वाइट, तो मिलेगा एम्पायर डिसीजन वाइट बॉल और एक रन मिला।
स्कोर को आगे बढ़ता हुआ 145 रन, यहाँ से 19 रनों की आवश्यकता, मात्र 19 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंद 19 रन, 3 बाउंड्रीज की आवश्यकता है। वहीं दूसरे साइड देखा जाए तो 9 बॉल में 39 रन की, 19 रन चलता हुआ इसमें अमित चले। और इस बार लगी चुकी बॉल सीधे जाकर टकराई सभी से डॉट बॉल। एक बार फिर से अमित चलेंगे और यहाँ पे बॉल पीटे जा रहे हैं, लगता है 3 छक्का नहीं लगेगा यहाँ पे। काफी बेहतरीन बैकअप कहा जाएगा। अब 7 गेंद में 19 रन चाहिए, 7 गेंद 7 बॉल 19 रन, 7 बॉल 19 रन चाहिए, 3 विकेट की भी जरूरत है। लेकिन आगे की गेंद यहाँ पर छोटी सी अपील, लेकिन अंपायर का उस पर कोई प्रभाव नहीं। अंतिम ओवर प्रगति पर, इस पारी का अंतिम ओवर, 6 गेंद मात्र शेष और रन चाहिए अभी भी 19 रन, 19 रन 6 बॉल की बात की जाए तो 3 छक्के, 19 रन 6 बॉल, बने रहिए देखने के लिए शानदार मुकाबला मोतिहारी बनाम सिवान। करने के लिए चाहिए और गेंदबाजी को थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन संयम भर के गेंदबाजी भी करना होगा और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की भी आवश्यकता। हाँ एकदम बिल्कुल मारने का प्रयास हो रहा है। आपको बता दें कल का मैच राहुल है, चौथा एक मैच मुजफ्फरपुर बनाम वैशाली के बीच, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के विपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी, पूर्व विधायक बैकुंठपुर श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय विधायक गुड़िया गोडी श्री दिवशांत सिंह, जो कि कल के मैच के मुख्य अतिथि होंगे। मुजफ्फरपुर बनाम वैशाली के बीच का मैच कल चौथा लीग मैच, और कल 11 बजे निश्चित समय से इस ग्राउंड पर कल का लीग मैच शुरू हो जाएगा। इसी बीच आपको बता दें 17 तारीख को एक दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट महिला लीग का लेडीज क्रिकेट खेला जाएगा, बिहार लेडीज वर्सेज यूपी लेडीज। फिलहाल मैच का अभी रोमांचक मुकाबले पे, अभी 6 बॉल 19 रन गाइस, 6 बॉल 19 रन और बॉलर रेडी हुए हैं। ओहो मिस बॉल, मिस कर दी है यार, काफी मारने वाला बॉल था। बैटर बॉल के बीच कोई कनेक्शन नहीं, डॉट डॉट के साथ शुरुआत 5 की 19 रन, दैट्स अ मैटर। 5 गेंद में 19 रन चाहिए, 5 बॉल 19 रन, अंतिम समय अंतिम क्षण में मुकाबला चलता हुआ, क्या इस गेंद पे एक बाउंड्री आ सकती है, देखने वाली बात है। और लगता है फिर से यहाँ पे गेंद और उसके नीचे फिर से एक विकेट ले लिए हैं मुजाहिदीन, खुद कैच किए हैं। काफी बाहर जाता हुआ सिवान की टीम का एक और विकेट का पतन, इसी के साथ आठवें विकेट का पतन। चार गेंद यहां से मात्र शेष, 19 रन, अब यहां से 3 छक्के चाहिए और एक सिंगल की आवश्यकता, हर एक बॉल पे रन की आवश्यकता, एक डॉट। अभी भी टाइम है सिवान को, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। सिर्फ मुझाई चले क्रॉस एंड बहुत रश में, ओहो और उठाकर खेलने की प्रयास मगर नाकाम हुए। औपचारिकता है, 3 बॉल 19 रन। आपको बता दें कल का मैच मुजफ्फरपुर बनाम वैशाली निश्चित समय 11 बजे से शुरू हो जाएगा, कल कोई विलंब नहीं हो और आप सभी हमें जितना जल्द हो सके आकर हमारे ग्राउंड से जुड़े और मैच का लुत्फ उठाए, इसी में जल्दी के और उठाकर खेल। एक और हवा में गेंद नीचे चटकता मौजूद, लेकिन वहां पर गेंद कुछ ज्यादा ऊपर, तो संभवतः अंपायर का डिसीजन का प्रतीक्षा 2 या 4।
मात्र दो रन। धन्यवाद सर। बॉलर बॉल फेंकी है, बॉल एक बार फिर से बता दें, कल का मुजफ्फरपुर बनाम वैशाली के मैच में श्री सम्राट चौधरी विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता जो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, साथ ही साथ दिपलेश तिवारी पूर्व विधायक बैकुंठपुर, श्री तिरस्कार सिंह माननीय विधायक गोल्ला डोटी, ये कल के मुख्य अतिथि होंगे। इसी बीच अगली गेंद के साथ एक और अब अंतिम गेंद संभवतः एक गेंद 19 रन मात्र औपचारिकता, एक औपचारिकता मुजाहिद भाई में थोड़ा सा कमेंट आ गया, अब तो कमेंट मैच वैसे भी मोतिहारी के पाले में। अंतिम गेंद और अंतिम गेंद देखते हैं क्या होता है, और इसी के साथ दो गेंद के साथ मैच खत्म, मैच खत्म हुआ। यहाँ पे सिवान हार चुके हैं, मोतिहारी को मिली जीत, एंट्री कर लिया है। मोतिहारी की टीम काफी खुश होते हुए, मोतिहारी के कैप्टन महोदय, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ कमेंट्री बॉक्स के समीप आ जाएं। छोटू सी हॉट हॉट सर आगे से सब लोग लाइव में कमेंट्री हो, विधायक जी क्या कर रहे हैं, बोलते रहो। मोतिहारी जीत चुकी है भाई, सिवान को हरा चुकी, और यहाँ पे लड़ा के देखा सिवान टीम के हमारे लाड़ा को लिया एहसान, आपका प्राइज है, आप यहाँ से कमेंट्री बॉक्स के पास आके कलेक्ट कर लेंगे। मुजाहिद खान छोटू एहसान और मुजाहिद खान हम लोग जीत गए मैच, और साथ ही साथ सिवान टीम के कैप्टन भी, आप कमेंट्री बॉक्स के सभी पास जाएंगे। याद रखना फिर दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास आएंगे, दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास आएंगे। कल फिर 11 बजे मुलाकात होगी, अपनी टीम को हरवा कर यहाँ पे खुश हो रहे हैं। है ना वो हमरे हो रही, मैं तो बहुत खुश हूँ। टीम के कैप्टन से साथ लाइट बंद कर दो, ये तो लाइट के अंदर था। हां सर, रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, आइए कमेंट्री बॉक्स के पास, बसंतपुर के साथ हंस रेस्टोरेंट जिनके इन कर दिए, अब चल रहा है।